एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डिजाइन ऑनलाइन में एक नई वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास एक लकड़ी की अलमारी पड़ी है जो बिल्कुल प्लेन है आगे से, जिसमें कोई भी हमारा दरवाजा वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो इसको मैं इस तरीके से कवर करूंगा कि इसमें आप आराम से अपने वार्डरोब बना के, मतलब आराम से इसमें कुछ भी सामान आप सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, सिर्फ थोड़ी सी चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि सबसे पहले इस तरीके से मेरे पास एक दुपट्टा पड़ा हुआ है, जैसे कि आप दे सकते हो क्योंकि व्हाइट पर्दा बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहो तो आपके पास कोई भी दुपट्टा पड़ा हो तो आप ले सकते हो। ये एक फीता लिया है जो कि आपके पास भी पड़ा होगा, शूज वगैरह में निकलता है। एक लिया है और दो इस तरीके से ये मैंने कीले लिए हैं। ये हमारी आधा इंच से बड़ी कीले हैं, ये मैंने छोटी ली है, ज्यादा बड़ी नहीं ली है और कुछ नहीं चाहिए। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब करेंगे वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर्दे को हमें बीच से कट करना है और मैंने एक हथौड़ी ले ली जिससे कि हम इसमें दोनों साइड में यहाँ पे हम इसमें कीलों को भी ठोकना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर्दे को हमें कट ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से साइड कर लेते हैं, ये हमने पर्दे में पूरा सेंटर मिला लेना है। सेंटर मिलाने के बाद बीच में से आपको कट कर लेना है। तो आपको कैंची लेना है, इस तरीके से को आपको बीच से कट कर लेना है। तो ये हमने बीच में से कट कर लिया है, तो ये हमारे दो पर्दे रेडी हो चुके हैं। तो अब हमें इसमें स्टिचिंग भी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई नाप लेते हैं और देख लेते हैं हमें इसको कितना फोल्ड करना है। तो इसको सिंपल तरीके से आप इस तरीके से फोल्ड कर लें पहले, फिर इसकी लंबाई आप नाप लीजिए जितनी भी आपको इसकी लंबाई रखनी है। तो हमें इतनी रखनी है इसकी, मुझे बिल्कुल मिलाते हुए। तो अब हमें इसके इतना फोल्ड कर लेना है कि जिसमें कि हमारा रिबिन आप देख सकते हो इस तरीके का फीता, ये इसमें हम डाल के आराम से इसको लगा सके। तो इसलिए हमें ज्यादा नहीं, जैसे कि हम नॉर्मली मोड़ते हैं फोल्ड करते हैं उस तरीके से, हमें पहले हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इतना इसको हमें फोल्ड कर लेना है। तो दोनों साइडों को इस तरीके से ही हम फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद फिर मैं आगे का आपको काम बताऊंगा क्या करना है। तो मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, जैसे कि हम नाड़ा मोड़ते हैं नाड़े की नहीं, उस तरीके से ही मैंने दोनों पर्दों को फोल्ड कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों कीलों को, तो अब इन दोनों कीलों को हमें दोनों साइड में यहाँ पे एक इस कोने पे दूसरा इस कोने पे लगा लेनी है। तो सबसे पहले तो हम इस कोने पे लगा लेते हैं, दूसरी कील को हम लगा लेते हैं इस वाले कोने पे। फिर हम इस फीते को ले लेंगे जो हमने दोनों कीले लगा दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हमने दोनों कीलों को दोनों साइड में लगा दिया है। तो अब हम इसको इस तरीके से तो बांध नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, सुई की मदद से इसको इस तरीके से लेके होल्ड कर देंगे इस तरीके से। इतना हम होल खोल देंगे जिससे कि हम इसमें पर्दे को बार बार लगा सकते हैं और खोल सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हम पहले स्टिच कर लेंगे, सुई की मदद से आप इसको आराम से स्टिच कर लीजिए। तो हमने स्टिच कर लिया है, इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा के दूसरी साइड हम देख लेंगे कि हमें कितना बड़ा चाहिए। तो हम उसके अकॉर्डिंग, तो हमें ज्यादा इसमें लटका हुआ नहीं चाहिए, तो इसमें हम देख लेंगे कितना की हमें फिटेड चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको लटका रखेंगे तो पर्दा हमारे इस तरीके से लटकेगा। तो हम फिटेड देख लेते हैं इसको कितना आ रहा है, तो हमारे इस तरीके से आ रहा है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है उतना को हम कट करके इसको भी इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे। तो हम इसको देख लेते हैं, हमारा बिल्कुल फिट है नहीं है, तो इस तरीके से लेके दूसरी साइड भी हम इसको लगा देते हैं। इन दोनों पर्दों को हम इसके अंदर इसको हम इस तरीके से डालेंगे जैसे कि नॉर्मली होता है, दोनों पर्दों को इस तरीके से हम डाल देंगे जैसे कि हमने पहले पर्दे को डाला है। सेम तरीके से ही हम दूसरे पर्दे को भी इसमें डाल के तैयार कर लेते हैं, इसको भी हम इसी तरीके से इसके अंदर डाल लेते हैं। तो हमारे दोनों पर्दे रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये बीच में से हमारा निकल गया। अब हम इसको लगा देते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा एक पर्दा बनके रेडी हो चुका है। तो जब भी अगर आपको कोई सामान निकालना हो तो आप इसको इस तरीके से खोल सकते हो, इसमें से आप सामान निकाल सकते हो। और जब भी अगर आपको इसको वॉश करना हो तो आपको क्या करना है, बस इस साइड से आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद दोनों पर्दों को आपको बाहर निकाल लेना है। दोनों बाहर निकालने के बाद आपको वॉश करने के बाद इसी तरीके से आपको दोबारा इसमें डाल के इसको इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो आपने देखा हमने वेस्ट एक बेकार से दुपट्टे से जो कि हमारा काम नहीं आ रहा था उससे कि हमने एक प्यारा सा इस तरीके से एक हमारा पर्दा बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको पास भी इस तरीके का कोई दुपट्टा पड़ा हो तो आप भी इसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बनने के बाद हमारा पर्दा कितना प्यारा लग रहा है, जो कि हमारी बेकार सी अलमारी थी को हमने एक दुपट्टे से इस तरीके से डिजाइन कर लिया है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आज की आपको मेरी छोटी सी वीडियो कैसी पसंद।